नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी और आज मैं आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि आर्टिकल 370 हट गया है। जी हाँ, हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आर्टिकल 370 को निकालने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं एंड ही हैज़ मेड हिस्ट्री बाय डूइंग सो। द ग्रेट दलित लीडर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री डिड दिस। और ये इन्फॉर्मेशन को अमित शाह जी, द होम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, हैज शेयर्ड विद द पार्लियामेंट बाय वे ऑफ अ रेजोल्यूशन। जबकि आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता कभी थी ही नहीं, मगर 70 साल से ये नहीं किया गया बाय द पॉलिटिशियंस ऑफ आर कंट्री। ये करने से जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, जो आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी आत्मा को आज बहुत शांति मिलेगी बिकॉज ही डाइड इन प्रिजन व्हेन ही क्रॉस्ड कश्मीर विदाउट अ वीज़ा। एक समय था जब वीज़ा के बिना आप कश्मीर नहीं जा सकते, और एक समय आज है जब आर्टिकल 370 हैज़ बीन अबॉलिश्ड और उसके साथ साथ आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो चुका है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस। श्रावण के पहले सोमवार को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, श्रावण के दूसरे सोमवार को ट्रिपल तलाक बिल खत्म हुआ और श्रावण के तीसरे सोमवार को आर्टिकल 370 खत्म हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी जिन्होंने ये सरकार को वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। होम मिनिस्टर अमित शाह जी, धन्यवाद। एंड प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री रामनाथ कोविंद जी, धन्यवाद। एंड टू ऑल द सिटीजन्स हु वोटेड फॉर दिस पार्टी, नमस्कार।